हाय, आई एम शेफ संजीव कपूर। और अदरक देखा है ना आपने, अदरक खाने में बड़ा अच्छा होता है। खैर, अदरक की बातें करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे एप्पल डिलाइट में। जी हाँ, एप्पल डिलाइट वॉशिंगटन एप्पल के साथ में। ये मैंने ले लिया अदरक, और ये जो अदरक है ये ग्रेट करना है, बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली इसका जो रस है वो मुझे चाहिए, तो ये अदरक ले लिया मैंने। इसके साथ में हम इसमें डालते हैं काला नमक, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक भी, और काली मिर्च कुटी हुई। ये जरा मिक्स कर देता हूँ मैं। चलिए, अदरक का काम हो गया, अब जरा वॉशिंगटन एप्पल का काम हो जाए। बढ़िया, नाइस एप्पल। और ये जो है ये काम करता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ एप्पल। तो खाने में पकाने वाली कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बिना पकाई चीज़ें बन जाती हैं। जैसे अगर कोई सैलड वगैरह खाना हो, और सैलड खाने के साथ में भी खा सकते हैं, लेकिन एज ए स्नैक भी खा सकते हैं। और फ्रूट को जब स्नैक में खाते हैं ना, ख़ास तौर से जैसे वॉशिंगटन एप्पल है जो एकदम बढ़िया हेल्दी चीज़, तो अपने आप ही जो सेहत है वो खुश होने लगती है। अब भाई देखिए, कोई ऐसी चीज़ जो डिलिशियस भी हो, टेस्टी हो, और उसके साथ साथ उसमें जैसे ढेर सारा फाइबर है, तो ये जो ये लाल और हरा दोनों ले लिए। और फिर ये मेरे पास जो अदरक वगैरह था ना, ये अदरक के साथ में मसाले ये इसके अंदर। और फिर एक काम करना है, ये मेरे पास नींबू ले लेते हैं जरा। नींबू ले लिया और नींबू इसके अंदर। तो इसके अंदर जो चाट मसाला है, चाट का टेस्ट उसकी वजह से थोड़े तीखेपन के लिए इसमें हमने डाला काली मिर्च को, फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च। ये सब चीज़ें डाल दी, और फिर इसमें एक चीज़ डालनी है, और वो है शहद, थोड़ी सी मिठास और इसके अंदर। ये आ गया। चलिए एक काम करते हैं, कुछ पुदीने के पत्ते, थोड़े से पुदीने के पत्ते, ज़्यादा नहीं। वाह क्या बात है, पुदीने के पत्ते, डंडी नहीं चाहिए मुझे इसकी। तो ये आ गया पुदीना, और ये पुदीने को साथ में कर लिया इकट्ठा। और फिर एकदम बारीक हरा पुदीना। वैसे पुदीना जो है अगर ठीक से इस्तेमाल करो खाने में तो चटनी में मज़ा आ जाता है, नहीं तो ऐसे लगेगा कि अगर ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, कॉम्बिनेशन ठीक नहीं हुआ, तो ऐसे कोई भी चीज़ में लगेगा कि टूथपेस्ट क्यों डाल दिया है। क्योंकि सबसे जो कॉमन टूथपेस्ट का फ्लेवर है वो मिंट का फ्लेवर होता है, तो इसलिए मतलब जो कॉम्बिनेशन है ढंग से करने चाहिए। इसमें मिंट अच्छा लगेगा, लेकिन एकदम महीन, एकदम बारीक कटा हुआ, ये आ गया। और अब इसके अंदर एक मैजिक वाली चीज़, और वो जो मैजिक वाली चीज़ है वो है ये क्या है, जीरा लेकर एकदम उसको भूनना है। देखिए एकदम जब तक ऑलमोस्ट ब्लैक नहीं हो जाए, ये देखिए, और उसके बाद उसको पीसना है। तो ये जीरा, क्योंकि अब इसका जो रंग है अब ये चेंज हो जाएगा, ये देखिए। और जीरा लिया, और ये वाह जो सेब है, भाई सेब लोग कहते हैं कि हाँ फ्रूट्स हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन चाट सबको अच्छी लगती है। तो ये जो है वॉशिंगटन एप्पल से बनी हुई जो चाट है, हाँ मुँह में पानी आ रहा है ना। और फिर अगर चाट है तो चाट जैसे ही सर्व करना चाहिए। ये लीजिए, चाट जैसे सर्व करने के लिए ये पत्तल हमारे पास, और ये जो पत्तल हैं ये लिए, और इसमें ये हमारी चाट। चलिए ये हो गया हमारे पास में तैयार, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि थोड़ा सा ये जो है हमारे पास भुना हुआ जीरा,
ये इस पे, उसके साथ साथ थोड़े से तिल, तिल के दाने हल्के से रोस्ट किए हुए, और फिर मिंट, बढ़िया सा, नाइस एंड फ्रेश, एंड दैट्स इट। तैयार वॉशिंगटन एप्पल की चाट। भाई चाट किसी भी चीज़ की बना सकते हैं, अगर सेहत वाली चाट है तो सबको अच्छी लगेगी। बढ़िया से खाइए, खूब सारा खाइए। और ये जो चाट है ना, ये इसमें कुछ तला हुआ नहीं है, कुछ फ्राइड नहीं है, सेहत का भंडारा। एप्पल चाट, एक बोल में अदरक कसे, उसमें डाले काला नमक, चाट मसाला, नमक और कुटी हुई काली मिर्च, और अच्छे से मिलाएं। लाल और हरे वॉशिंगटन एप्पल्स में से बीज निकालें और मोटा मोटा काट कर बोल में डालें। साथ में डालें नींबू का रस और शहद और अच्छे से मिलाएं। अब पुदीना के पत्ते बारीक काटें और एप्पल के मिश्रण में डालें। साथ में डालें 1/4 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और अच्छे से मिलाएं। अब एप्पल चाट को अलग अलग पत्तल की कटोरियों में डालें, ऊपर से छिड़के थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर और तिल, और पुदीना स्प्रिग से सजाकर परोसें।